विभीषण रामायण के काल से महाभारत के काल तक क्या जीवित थे? पिछले अध्याय में हमने घटोत्कच की विभीषण से हुई भेंट के बारे में जाना। ऐसी कितनी विचित्र बातें इन कालखंड में छिपी हैं, जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूंगा। शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी, वह सुनो। बुद्धिमान मात्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडवप्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया। वे अपने सैनिकों के महान सिंहनाद, गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की तुम्बल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे। जाते जाते वे बहुत धन धान्य से संपन्न गांवों की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोही पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देश में जा पहुंचे। इसी को आजकल रोहतक कहा जाता है। वहां उनका मतम मयूर नाम वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ। उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि अर्थात मारवाड़, प्रचुर धन धान्य पूर्ण शरीशक और महोत नामक देशों पर अधिकार प्राप्त किया। महोत देश के अधिपति राजश्री आक्रोश को भी जीत लिया और आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ। तत्पश्चात दशार्ण देश पर विजय प्राप्त करके पांडुनंदन नकुल ने शिबि, त्रिगर्त, अम्बष्ठ, मालव, पंचकर्षट एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया और उन सबको जीतकर पाटधान देशीय क्षत्रियों को भी हराया। पुनः उधर से लौटकर नरश्रेष्ठ नकुल ने पुष्कारण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया। समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामीणीय अर्थात ग्राम शासक के वंशज क्षत्रिय थे, सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र अभीरगण थे, मच्छलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुल ने जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर संपूर्ण पंचन देश अर्थात पंजाब, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट, नगर और द्वारपालपुर को अत्यंत कांतिमान नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। रामठ, हार, हुण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे, उन सबको पांडुकुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया। भारत वहीं रहकर उन्होंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास दूध भेजा। राजन, उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद शाकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मद्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया। राजन, राजा शल्य ने सत्कार के लिए नकुल का यथावत सत्कार किया। शल्य से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए। तदनंतर समुद्री टापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर मलेच्छ, पल्लव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों के जानने वाले कुरुश्रेष्ठ नकुल इंद्रप्रस्थ की ओर लौट आए। महाराज, उन महामना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ 10,000 हाथी बड़ी कठिनाई से ढो पा रहे थे। तदनंतर श्रीमान माद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीरवार राजा युधिष्ठिर से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुणपालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ में
लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं, गुरु नंदन, इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीत कर अपने धर्म के अनुसार वर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सवर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। युधिष्ठिर किसी का विरोध ना करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिए जाए, किसी पर बल प्रयोग ना किया जाए, धर्म तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजावर्ग के सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्यायपूर्वक कर लेने और धर्मपूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। गौरक्षा, खेती और व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही यह सब उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजन, औरों की तो बात ही क्या, चोरों, ठगों, राजा अथवा राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी यहां कोई झूठी बात नहीं सुनाई देती थी। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी ये लोग झूठ कपट का वर्ताव नहीं करते थे। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासनकाल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग व्याधि तथा आग लगाने आदि उपद्रवों का नाम ही नहीं था। राजा लोग उनके यहां स्वाभाविक भेंट देने का अथवा उनका कोई प्रिय करने के लिए आते थे, युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं। धर्मपूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथ लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कुंती नंदन, राजा युधिष्ठिर ने अपने अस्त्र वस्त्र के भंडार तथा खजाने का परिमाण जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया। उनके जितने हितैषी सुहृद थे वे सभी अलग अलग और एक साथ यही कहने लगे, प्रभु, ये आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है, अतः अब उसका आरंभ कीजिए। वे सुहृद इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्रीहरि आ पहुंचे। वे पुराण पुरुष, नारायण, ऋषि, वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम में परमेश्वर हैं। वे ही स्थावर जगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता हैं। वे ही केशी दैत्यों को मारने वाले केशव हैं। वे संपूर्ण विष्णु वंशियों के परकोटे की भांति संरक्षक, आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे। उस धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समूची दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भंडार तो यूं ही भरा पूरा था। भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट दी और उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभागमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। बिना सूर्य का अंधकारपूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकार प्रकाश से भर जाता है,
बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले, उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब धौम्य ने द्वैपायन आदि ऋत्विजों तथा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट आकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। वाशरण्य मुझे धन भी बहुत प्राप्त हुआ है। देवकी नंदन माधव यह सारा धन मैं विधिपूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्यवाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहु दशाह आप मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। विशाल भुजाओं वाले गोविंद आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दाशार आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभु अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं इस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। जन्मेजय तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा, राज सिंह आप सम्राट होने योग्य हैं, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभिष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए, मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण मेरा संकल्प सफल हो गया, मेरी सिद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडु कुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी की बताई हुई यज्ञ उपयोगी सामग्री, इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आवे। इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाए। गुरुश्रेष्ठ जिनको खाने की प्राय सभी इच्छा करते हैं वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्ठान आदि तैयार कराए जाएं। जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीति प्रदान करने वाले हों। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है राजन। तदनंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋत्विजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास ने उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य इस यज्ञ के श्रेष्ठतम अधर्व्यु थे। वसुपुत्र पहल धौम्य मुनि के साथ होता बने थे। भरत श्रेष्ठ इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सबके सब वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे होत्रज्ञ अर्थात सप्त हुए। उन सब ने पुण्य आवाहन
करते हुए इस विधि का उहन अर्थात राजसूय यज्ञ के स्वराज्य वापवानी में स्वराज्य प्राप्त करूं, इस आदेश से राजसूय यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प लिया। उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनवाए। तदनंतर राजशिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव की आज्ञा ली। सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की यह बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सब माननीय शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्णों के लोगों को निमंत्रित किया तथा बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना ना भूले। भारत, तदनंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्रों ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे भाई, जाति बंधु, सुहृद, सहायक, अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय नरेश तथा मंत्री गण भी थे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ते थे। तत्पश्चात वहां भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए, जो संपूर्ण विद्याओं से निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीय जनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाए थे, जो बहुत से अन्न वस्त्रों से परिपूर्ण थे और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधा थी। राजन, उन गृहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नर्तकों के खेल देखते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंदमग्न महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। इनको दीजिए, इन्हें परोसी, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए, इसी प्रकार के शब्द वहां प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। भारत, धर्मराज युधिष्ठिर ने 100,000 गौएं, उतनी ही शैयाएं, 100,000 सुवर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहित युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान दी। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदनंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहां रहते थे उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा। नकुल हस्तिनापुर पहुंचे और उनके बुलाने पर कौन कौन राजसूय यज्ञ में आए, उनके आने के क्या परिणाम हुए, जानते हैं अगले अध्याय में।